मुर्दाबाद डॉक्टर मुर्दाबाद अपेक्स हॉस्पिटल मुर्दाबाद अपेक्स हॉस्पिटल मुर्दाबाद चलिए सीधा रुक करवाते हैं आप सभी को इस वक्त की बड़ी खबर जो राजधानी जयपुर से सामने आ रही है। राजधानी जयपुर के अंदर अपेक्स हॉस्पिटल में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर इस मामले के अंतर्गत हंगामा देखने को मिला है। आप सभी को बता दूं कि एक व्यक्ति डेंगू पॉजिटिव हो गया था और वह अस्पताल के अंदर अपना इलाज करा रहा था। वहीं परिजनों ने आरोप भी लगाया है कि उस व्यक्ति की 5 दिन पहले ही मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी अस्पताल के प्रशासन ने उसे अस्पताल में ही रहा है और साथ ही साथ इलाज कराने के लिए उनसे लगभग 15 लाख रुपए वसूल किए गए हैं। साथ ही इसी को लेकर के जब इस मामले का खुलासा हुआ तो परिजन वहां पर अस्पताल के अंदर ही बैठ गए शव को लेकर के, और साथ ही साथ उनका हंगामा भी देखने को मिला है। इसी को लेकर के जब वहां पे पुलिस प्रशासन भी पहुंचा तो उसके बाद में आपसी सहमति भी बनी है, और आखिरकार इस पूरे मामले के अंतर्गत क्या कुछ देखने को मिला है, किस प्रकार से प्रशासन और परिजनों के बीच में बातचीत हुई है, सीधा देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। क्योंकि इन्होंने स्वस्थ आदमी को बेहोशी और नशे की गोलियां देकर, नशे की दवाइयां देकर मारने का प्रयास किया है। ये हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। हम जब तक हमारे ये चिरंजीवी योजना, भामाशाह योजना और जो पैसा हमसे लूट का लिया है, जब तक ये हमको पैसा हमारा वापस नहीं लौटा देते, तब तक हम इस बॉडी को लेकर यहाँ से नहीं जाएंगे और हम प्रयास करेंगे, नाराबाजी करेंगे और यहाँ आमरण अनशन पर बैठेंगे हम। क्या आपको बताया नहीं गया था कि मरीज की हालत बिगड़ती जा रही है, या फिर आपने मांग नहीं की कि हम किसी दूसरे हॉस्पिटल में ले जाएं? हम जब इनसे बार बार ये कहते रहे कि हम SMS दूसरे हॉस्पिटलों में दिखाएंगे, ये हमसे ये कहते रहे कि हम यहीं ठीक कर देंगे, आप 3 लाख रुपए जमा कराओ, आप 54,000 रुपए जमा कराओ, आप 2 लाख रुपए जमा कराओ, और ये बार बार ये हमसे इसी तरह का विश्वास दिलाते रहे और हमारे साथ धोखा करते रहे। डॉक्टरों की गलती मानते हैं आपके? डॉक्टरों की गलती है, सरासर गलती है। डॉक्टर जो एक भगवान का रूप होता है, उन्होंने हमारे साथ धोखा किया है और मारने का प्रयास किया है इन्होंने। जो कुछ रिपोर्ट्स आप बता रहे थे कि सब रिपोर्ट्स ओके थी, उसके बाद भी हालत बिगड़ी। रिपोर्ट हम आज भी दिखा सकते हैं, हमारे पास रिपोर्टों की कॉपी है, रिपोर्ट बिल्कुल ओके है। उसके बावजूद भी अस्पताल प्रशासन, डॉक्टर, इन्होंने झूठा वेंटिलेटर पर रखा और मारने का प्रयास किया। आज से 5 दिन पहले जब इनकी मौत हो चुकी थी, 5 दिन पहले, उसके बावजूद भी हमको मिलने नहीं दिया, किसी को बताया नहीं क्या हुआ है, और धोखे के ऊपर धोखा कर रहे हैं। हम हाई अथॉरिटी कहीं से फोन करवा रहे हैं, किसी की कोई नहीं सुन रहे, केवल पैसे की बात करते हैं। देखिए, सरकार तक आपकी बात जरूर पहुंचेगी मीडिया के माध्यम से। आप क्या मांग करते हैं मुख्यमंत्री महोदय से, प्रशासन से आप क्या सहयोग चाहते हैं? हम प्रशासन से, मुख्यमंत्री महोदय से, स्वास्थ्य मंत्री महोदय से गुहार लगाना चाहते हैं कि ये जो अपेक्स हॉस्पिटल में जो कालाबाजारी हुई है, हमारे साथ धोखा हुआ है, हम उस धोखे में और दूसरे के साथ किसी के साथ धोखा नहीं हो, और हमसे जो लूट की है इन्होंने 15 लाख रुपए की जो पैसा लिया है, उसको हम वसूलेंगे जब भी हम यहाँ से उठेंगे। तो आपकी मांग है कि आपका जो इलाज में जो इलाज के नाम पे जो लूट की है, वो हम यहाँ से लेने के बाद ही हम उठेंगे, क्योंकि इन्होंने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया, अन्याय किया। एक नौजवान को मारने का इन्होंने जबरदस्त प्रयास किया है सर। इन्होंने तो बातचीत के लिए आया है हॉस्पिटल प्रशासन की तरफ? अभी तक कोई हॉस्पिटल प्रशासन से बातचीत के लिए नहीं आया। हम यहीं बैठ के आमरण अनशन करेंगे जब भी हम बॉडी को उठाएंगे, जब हमारे साथ इस तरह की मीटिंग होगी और हम इस पे जो हमारी सहमति बनेगी, उससे पहले हम नहीं जाएंगे यहाँ से। जो डेथ सर्टिफिकेट है उसमें 11 बजे के आसपास का वक्त है कि सर, डेथ सर्टिफिकेट इनका झूठा है, ये केवल लूट का धंधा है इनका, कोई डेथ सर्टिफिकेट नहीं है इनका। आज से 5 दिन पहले खत्म हो गए, इन्होंने झूठा वेंटिलेटर पे रखा। आप हम बॉडी को देखा है हमने, एक आदमी नब्ज को देख के पहचाना जाता है, ये जिंदा है मरा हुआ है। हम बार बार नब्ज देख रहे हैं, हम कह रहे हैं सब ठंडा हो गया, ये है स्थिति है, उसके बाद तो जाने ही नहीं दिया इन्होंने हमको। शरीर से बदबू, बॉडी से बदबू, सर शरीर से बदबू आ रही है, केमिकल लगा के भेजा है, शरीर से बदबू आ रही है सर मिलने से। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरे सहयोगी रोहित के साथ पुलकित सक्सेना, न्यूज 19 जयपुर।